आप लोगों को मैं यूजीसी नेट जेआरएफ का नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो मैंने परीक्षा की तैयारी के दौरान तैयार किया था, और इसमें मैंने सफलता भी प्राप्त की थी। तो आज का जो एपिसोड है वह है मेरा पांचवा एपिसोड। यूजीसी नेट जेआरएफ के नोट्स का यह पांचवा भाग है, और इसमें मैं चर्चा करूँगा जो आपका पहला यूनिट है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, और उससे संबंधित कौन कौन सी बोलियां हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है, और इसमें से चार पाँच प्रश्न हमेशा आते हैं। यह पहला चैप्टर है यूजीसी नेट इकाई एक, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। भारत में मुख्य रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इससे आप परिचित हैं कि भारत में दो भाषा परिवार की बोलियां भाषाएं बोली जाती हैं, आर्य परिवार, आर्य भाषा परिवार, और द्रविड़ भाषा परिवार। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य भाषा परिवार की है, तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की है। उत्तर भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उनका जन्म हुआ है आर्य भाषा परिवार से, वो उसके सदस्य हैं, और दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वह द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। मतलब संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और इसी से हिंदी का जन्म हुआ है समय के पश्चात। भारतीय आर्य भाषाओं को मुख्य रूप से तीन कालखंडों में विभक्त किया गया है ना। भारत के जो आर्य भाषाएं हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, तीन कालखंडों में विभक्त किया गया है। यह पूरा आपको याद कर लेना है वर्ड टू वर्ड। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसको ध्यान में रखिए, 1000 ईस्वी है ना, 1000 ईस्वी तक है। इसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है यह है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसको आपको याद कर लेना है पूरी तरह से। अब देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत दो भाषाएं थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जिसका टाइम पीरियड मैंने बताया है आपको 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत दो भाषाएं थी। ये दो भाषाएं बोली जाती थी। चारों वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इसी काल की रचनाएं हैं जो वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। यही से समय की रचनाएं हैं जिन्हें वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। तीसरा है, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए हैं। जो ऋग्वेद है वह संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और जो रामायण और महाभारत आदि हैं वह लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। ये पूरा आपको याद करना है, इससे चार पांच प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में तीन भाषाएं विकसित हुई। मध्यकालीन आर्य भाषा काल क्या है? मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक तीन भाषाएं विकसित हुई हैं। पहला है पाली भाषा। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है, ये ध्यान में रखिए। फिर प्राकृत भाषा का समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा। फिर अपभ्रंश भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, सॉरी ईस्वी। अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, ईस्वी सन तक है ना। पाली भाषा, पाली भाषा के बारे में देखते हैं। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है ना, मगध जनपद की भाषा थी इसलिए पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है, यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों के नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
बौद्ध धर्म के जो तीन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं वह हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। और पाली भाषा का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्राकृत भाषा का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी, मतलब पंडितों के मध्य यह प्रचलित भाषा नहीं थी, बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। इसे भाषा नहीं बोली का दर्जा प्राप्त था। और संस्कृत नाटकों के अधम पात्र हैं जो नीचे स्तर के पात्र हैं, अभिजात वर्ग में जो शामिल नहीं है, वह प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहां पर बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म के तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जैन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा के पांच प्रमुख भेद हैं। प्राकृत भाषा के पांच प्रमुख भेद हैं, पांच प्रकार हैं। पहला है सौर सैनी प्राकृत, जो मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। यह सब परीक्षाओं में आता है, परीक्षा में आता है कि यह किस क्षेत्र में प्रचलित बोली या भाषा थी। इसके बाद पैशाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। इसके बाद महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। इसके बाद अर्ध मागधी प्राकृत, यह मागधी और शौर सैनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। अर्ध मागधी का जो स्थान है वह है मागधी और शौर सैनी के बीच के एरिया में बोली जाती थी। मागधी प्राकृत यह मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी, मगध मगध जनपद। अपभ्रंश भाषा हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ, यह इसकी समय सीमा है। इस भाषा को अवहट, अवहट, देश भाषा, देशी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश भाषा की संज्ञा देते हैं। मतलब भाषा का जो रूप बिगड़ जाता है उसे बोला जाता है अपभ्रंश भाषा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो भारत के जाने माने भाषाविद हैं और इनकी किताबें हिंदी भाषा और ऐसी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी जो बहुत ही प्रचलित है और परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी है। मैंने एक एपिसोड बनाया हुआ है कि UGC नेट JRF के लिए किन किताबों का अध्ययन करें, तो इनकी दो तीन किताबों का उल्लेख किया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ था। अपभ्रंश का जन्म हुआ था 500 ईस्वी के आसपास। अपभ्रंश का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया है। अपभ्रंश भाषा का जो प्राचीनतम प्रयोग मिलता है, पहला प्रयोग वह कहां पर मिलता है? कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम में निम्न वर्ग के पात्रों के द्वारा। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामा ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्योपयोगी भाषा बताया। 6ठी शताब्दी के जो आचार्य थे, अलंकारवादी आचार्य है ना, उसको आप हम अलग से इस पर एपिसोड बनाऊं मैं तो, अलंकार भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के ऊपर मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पाश्चात्य काव्य सिद्धांत कौन कौन से हैं और भारतीय काव्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 6ठी शताब्दी के जो अलंकारवादी आचार्य भामा हैं उन्होंने भी अपभ्रंश का उल्लेख किया है और उन्होंने बताया कि संस्कृत एवं प्राकृत के साथ उन्होंने बताया कि यह भी काव्योपयोगी भाषा है, काव्य के लिए आवश्यक भाषा है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, यद्यपि इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। तो अपभ्रंश की जो समय सीमा है वह निर्धारित की गई है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, लेकिन इसके बाद भी 1200 ईस्वी तक इसका प्रयोग साहित्य में होता रहा।
1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। यद्यपि जो हिंदी का प्रयोग है वह साहित्य में 1000 ईस्वी से शुरू हो चुका था, लेकिन जो अपभ्रंश है उसका प्रयोग 1200 ईस्वी तक कंटिन्यू होता रहा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ। जिन भाषाओं को हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं उनका विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी का विकास भी इसी अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। भाषा की शुरुआत तो संस्कृत से चालू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे विकसित होते हुए यह हम हिंदी तक आए, और वास्तव में जो हिंदी का विकास हुआ है वह हुआ है अपभ्रंश भाषा से। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण थे, है ना, उन्हीं में से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। आइए देखते हैं। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इनका विवरण निम्नवत है। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चार्ट आपको याद कर लेना है, यह परीक्षा में आता है। हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है। शौर सैनी अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और उनसे विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप कौन कौन से थे और उनसे किन भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे देखते हैं। ये शौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा जन्म लेती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं जन्म ली? पंजाबी और लहंदा। ब्राचड अपभ्रंश से केवल सिंधी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा ने जन्म लिया। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। तो इस तरह हमने देखा कि अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप थे, 7 क्षेत्रीय रूप, उनसे विकसित होने वाली कौन कौन सी आर्य भाषाएं हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है और इसको आप पूरी तरह से याद, नोट्स से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आपको पूरी तरह से याद करना है। इसके बाद हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। हिंदी और अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से, जो क्षेत्रीय रूप है, जो हमने देखा। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप में समझा जा सकता है, है ना। भाषाओं का जो क्रमिक विकास हुआ है उसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। किससे कौन सी भाषा बनी? वैदिक संस्कृत से बनी संस्कृत। वैदिक संस्कृत से क्या बनी? संस्कृत बन गई। संस्कृत से बनी पाली। वैदिक संस्कृत से संस्कृत का जन्म हुआ। संस्कृत से पाली का जन्म हुआ। पाली से फिर प्राकृत का जन्म हुआ। पाली से किसका जन्म हुआ? प्राकृत का। प्राकृत से फिर अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश के बाद हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। यह विकास क्रम आपको समझना है। वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाएं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौर सैनी अपभ्रंश से हुई है ना। खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं इसको, तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह प्रश्न प्राय आता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। हिंदी को भाषा का दर्जा प्राप्त है, इसकी कौन कौन सी उपभाषाएं हैं या बोलियां हैं, इनको देखते हैं। जैसे जो राजस्थानी हिंदी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती या मालवी। इसको प्रायः पूछा जाता है कि ढूंढाड़ी या जयपुरी किसे कहते हैं, जयपुरी को क्या ढूंढाड़ी बोलते हैं या ढूंढाड़ी को जयपुरी बोलते हैं। तो यह आपको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों को आपको याद करना है जो मैं बता रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली कारवी का जन्म हुआ, जिसको हम आधुनिक हिंदी बोलते हैं। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं और हरियाणवी को बंगरू के नाम से भी जानते हैं। यह आपको याद कर लीजिए पूरी तरह से, इस नोट से 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। दक्षिणी हिंदी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इनका जन्म हुआ पश्चिमी हिंदी से। मतलब जो हम जो आज हिंदी प्रयोग करते हैं उसका जन्म हुआ है पश्चिमी हिंदी से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। पूर्वी हिंदी अभी बहुत महत्वपूर्ण है,
बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं और बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मगही व मैथिली। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां और उपभाषाएं आती हैं? कुमायुनी, गढ़वाली, नेपाली। और ये जितनी भी बोलियां हैं लगभग 18 हैं, तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, इन पर मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। वह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है, कौन सा भाग है, कौन सा भूभाग है जहाँ पर इन बोलियों को, इन उपभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी भाषा को उद्भव विकास के संबंध में एपिसोड देखा। यदि मेरा यह एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को पूरा UGC का नोट्स उपलब्ध करवा सकूं और यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।